गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई एम डॉक्टर बरखा गुप्ता, वेलकम टू अन एकेडमी। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ व्हाट इज दी पैरा लैंग्वेज। ऑल्दो ये टर्म्स आप लोगों ने कई बार सुना होगा, ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन का बहुत ही फेमस सा टर्म है। तो पैरा का मतलब होता है लाइक और लैंग्वेज का मतलब होता है मोड ऑफ लैंग्वेज, मतलब तरीका, ठीक है। तो लाइक का लैंग्वेज जो है दैट इज दी पैरा लैंग्वेज। ये जो पैरा लैंग्वेज है ये आपकी हम कह सकते हैं एक तरह की सपोर्टिव लैंग्वेज होती है। कैसी लैंग्वेज होती है? सपोर्टिव लैंग्वेज होती है। तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, ये और कुछ भी नहीं है। जब भी आप किसी से बात करते हो, किसी को कोई स्पीच दे रहे हो, उस टाइम पर जो आपका वॉइस पिच है, वॉइस टोन है, और जो आपकी स्पीच बोलते समय जो आपकी रिदम होती है, दे ऑल कम्स टुगेदर टू बिकम अ पैरा लैंग्वेज। यही सारी मिलकर आपकी पैरा लैंग्वेज बन जाती है जो सपोर्ट करती है आपकी स्पीच को, ठीक है। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ऑल द बेस्ट।